सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज फाइनली अपना न्यू इलाइट पास आ चुका है और पहली बार मेरे को यार ये वाला इलाइट पास बिल्कुल पसंद नहीं आया। अबे साले मतलब तुम क्या सोच रहे थे, मेरे को पसंद आया। तो यहाँ पर जो हमेशा की तरह हम प्री ऑर्डर लेंगे और सच्ची में बोलूं तो यार मेरे को पसंद आया ये वाला इलाइट पास। अब मेरे को पसंद क्यों आया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमको मिल चुके 50 बैच फ्री में। यार फ्री में नहीं यार, 500 डायमंड एक्स्ट्रा देंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लड़की का बंडल भी मिल चुका है। तो सबसे पहले तो यार ये देखते, ये है क्या वैसे, ये मेरे को समझ नहीं आया ये है क्या। तो यहाँ पर हमको जो है अवतार भी मिल रहा है जो कि ज्यादा अच्छा है नहीं। उसके बाद ये डायमंड वाउचर और बैनर अच्छा है यार। तो अभी आते आते हम लड़की के बंडल पे, भाई लड़की कितनी खूबसूरत है। क्या बोला तूने? खूबसूरत नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये खूबसूरत नहीं होती है, ये खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर लड़की के मुंह पे इन्होंने बहुत ज्यादा जो है मेकअप पोत लिया था, इसलिए थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रही है। और ये लगा मेरे को सबसे बढ़िया चीज जो लगी ना, ये सर्फ बोल लगी। और देख रहे हो हमारी चाइनीज गन भी यहाँ पर ठोकी जा रही है। अगर चाइनीज गन ठोक दी तो यार तुम भी ठोको लाइक। तो यहाँ पर ग्रेनेड भी हमको मिल चुका है। अबे साले नहीं, ये ग्रेनेड नहीं है, सॉरी यार, ये तो यार डेथ बॉक्स है। और उसके बाद आता है हमारा बैग। वाव, इस पे तो मेरा दिल हारा है। पहले मोहतरमा पे हारा था, लेकिन उसके बाद इस पे हारा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार बैकपैक जो भी भाई बहुत ही गजब का है। और उसके बाद हमारा इमोट, हाँ चलो ये कर दिया। साला आगे नहीं किया कुछ भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अबे इतना छोटा इमोट कौन देता है यार, इमोट तो देखो। तो उसके बाद हमारे लड़के का बंडल, और लड़के के बंडल की जितनी भी तारीफ करूं कम है। तारीफ करूं क्या तेरी, उस रब ने कैसे तुझे बनाया। तो यहाँ पर जो है इस पे रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए हैं, और इसके मुंह पे भाई आंख को तो छोड़ देते हैं यार कम से कम। तो यार चलते यार सीधे लड़की का बंडल पहनते हैं। बेचारी के मुंह पे कितना मेकअप पोत डाला यार, दिल भी बनाया इसके भाई, नजर ना लगे किसी को इसकी। तो सीधे चलते यार फैक्ट्री के ऊपर, आज मजा आने वाला। तेरा वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो अपन लोगों की लैंडिंग होने वाली हमेशा की तरह फैक्ट्री में, और कल अपडेट आया था उसके बाद जो इन्होंने फैक्ट्री के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख दिया फैक्ट्री, मतलब कि पहले हम अंधे थे कि जो हमको पता नहीं था कि यहाँ पर फैक्ट्री है। चलो गाइस कोई नहीं यार, तो यहाँ पर उतर जाते हैं हमेशा की तरह फैक्ट्री में, और आज हम खेल रहे हैं न्यू इलाइट पास वाले बंडल के साथ। तो यार वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला। बोले थे आज हम खोपड़ियाँ फोड़ने वाले हैं, वैसे भी कितने दिनों से मैंने खोपड़ी नहीं फोड़ी है। तो हम सोच रहे थे कि एक दो की खोपड़ी तो फोड़ी डाले। यहाँ पर मोहतरमा जी, और ये मोहतरमा जी खत्म, बोले तो टाटा बाय बाय सी यू अगेन। अबे कोई अबे और कहाँ गए भाई, इतने सारे बंदे उतरे थे। आज मैं पूरा का पूरा मूड बना के आया था कि आज 10-12 बंदों की मुंडिया तो फोड़ी डालेंगे, लेकिन गाइस कोई ना, अपन लोग नीचे चलते हैं। वो देखो लाल बंदर मेरे आगे भाग रहे, पहले इसको पकड़ते हैं। नहीं नहीं, पहले उसको नहीं पकड़ते, पहले हम गन को पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे। क्योंकि यार अगर उसके पास गन हुई ना तो अपनी तो लग जाएगी वाट। तो यहाँ पर हमको मिल चुकी है ग्लू वन, लेकिन अभी तक हमको गन वन नहीं मिली है। चलो यहाँ पर सुट्टा तो नहीं लेकिन मेडकिट पड़ी है। ओ लो, जिसको ढूंढा गली गली। ओ तेरे को नहीं पगले, तेरे को नहीं बोले हम इस गन को बोले भाई। जिसको ढूंढा गली गली वो निकला मेरे सामने की गली में। तो यहाँ पर बंदा खत्म यार, इसने मेरी वाट लगा दी थी। चलो यहाँ पर हमको P90 मिल चुकी है, वेक्टर गन भी मिल चुकी है, और लेवल 3 का बस्ता भी हमको मिल चुका है। सामने एक बंदा घूमी कर रहा है, उसको घुमाने का मौका आ चुका है। तो हमको मिल चुकी है P90। तो अभी तो अपन लोग P90 चलाएंगे। यहाँ पर एक बंदा है, पहले इसको लुढ़का देते। यो बंदा डाउन। अबे ये डाउन है, इसका मतलब इसका दूसरा बंदा पीछे चाचा। तो इसको पड़ चुका है 52 का। अभी इस पे रस मारेगा अपन, देख तू कैसे ठोकती अपन लोग। हमें बड़ी जादूगरनी, तेरे को मैं उड़ा डालेगी। हाँ देखा, हमने कैसा जादू चलाया, वो दूसरी साइड हमको गोली मारे था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नहीं मार रहा था, सॉरी, इधर उधर निकल जाता हूँ मैं थोड़ा। नहीं वो कभी कभी मैं ज्यादा ही निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 किल कर दिए। हमको मिल चुके P90 प्लस पैराफल, और हमको पता नहीं यार अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और हमको मिल चुकी है MAG-7। वैसे यार अपन लोग आई लव MAG-7। बोले तो यार MAG-7 अपन लोग बिल्कुल कमाल का चलाते हैं। तो यहाँ पर जो है सामने रिपेयर किट पड़ी है, उठा लेते हैं। डंडा भी हमको मिल चुका है,
अभी जो अब डंडे से बंदों की मुंडी खोलने का टाइम आ चुका है। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, कंजूसी नहीं करने का। ओ देखो सामने एक बंदा उतर रहा है, बेचारे को यही मिला था उतरने के लिए। चलो गाइस कोई ना, बेचारे को पता नहीं था हम आ गए, हमें जादूगरनी। और हाँ गाइस मेरे को जरूर से बताना आपको इसका बंडल कैसा लगा यार, पीछे से तो देखो ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल खिला हो, लेकिन राक्षसनी लग रही है मेरे को तो वैसे। और यहाँ पर एक बंदा और चलो ये डाउन, चाचा अभी उतरे थे अभी हमको मारने चले आए। तो यहाँ पर बंदा डाउन, लेकिन इसका दूसरा बंदा यहीं कहीं बैठा होगा, उसको भी लुड़काने का टाइम आ चुका है। तो अपन लोग सबसे पहले ये उछलम उछलाई कर लेते हैं। चलो अभी अपन लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं। गाड़ी लेके भाग गया बदतमीज। चलो कोई ना कोई ना कोई ना, अभी यहाँ पर एक दो बंदे तो पक्का होंगे। हाँ हाँ चलो यार, सीमेंटेड में जो है एक और बंदा मेरे को दिख चुका है, मेरे को लग रहा है ये इसी का बंदा होगा। वैसे तो यार ये गाड़ी लेके भागा था, वो भी इसका बंदा हो सकता है, लेकिन शकल तो मिलती ना ये इन दोनों की। आहा, और पीछे से एक दो बंदे और भी आ चुके हैं। पहले तो अपन लोग इस एलसी वाले को मारते हैं। यो बंदो खत्म, टाटा बाय बाय। तो पीछे से दो बंदे और आ रहे थे, उनको लुड़का दिया मेरे रफ्तार फाजी ने। तुमको तो पता है यार अपने, अरे कहना क्या चाहते हो? अपने रफ्तार फाजी बिल्कुल प्रो प्रो होते हैं। मैं अटकता क्यों यार, इतना अटकता क्यों? तो गाइस कोई ना यार, अपन लोग अटकते रहते तो, लेकिन तुम मत अटकना कभी। तो कोई गाड़ी वाड़ी चला रहा है, आवाज तो आ रही, लेकिन कहां से आ रही आ रही है। ये लो ये भी अटक गए बेचारे। चलो तुमको भी अटका ही डालते हम, इनको तो अपन लोग ही ठोकेगा। पीछे चले गए। पहले तो अपने पास है मैक 7 डरने की कोई बात है, यहाँ से सीधे जाने का और सीधे अंदर घुस जाने का। भाई दो दो बंदे यार, ऐसा कैसे लड़ लेंगे हम दोनों बंदे से। तो अभी रफ्तार पाजी हमारे साथ में आ चुके हैं, तो अभी घबराने का नहीं, सीधे बाहर कूदने का और बंदों की मुंडी खोल डालने का। कहाँ पर है बंदे अभी दिख? चलो एक बंदा दिख चुका है, 155 का पड़ चुका है बंदे को। बंदे ने लगाई रेस और सीधे छुप के भाई भाई साहब क्या मारता है बदतमीज। तो यहाँ पर अपन लोगों की लग चुकी है वाट नैया पार, टोटल 26 HP पे बचे हैं हम लोग। अगर एक भी गोली इधर उधर निकल जाती मेरी तो, नहीं मेरी नहीं उसकी, तो अपन लोग तो गए थे। पहले अपन लोग 3-3 मेडिकेट मार देते हैं, इससे पहले कि बंदा हमको ठोक कर चला जाए। अभी आजा, अभी तू आजा, किधर से आएगा तू, टेंशन ना ले, अभी तेरे को अपन लोग ही ठोकेगा। तो ये बंदा जो पता नहीं कहाँ को चला गया है, एक तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे तो देख पीछे। हाँ तो यहाँ पर बंदा मेरे को दिख चुका है, अभी कहाँ यही, अब कितना भागता रे बंदा। अभी मेरे चाचा अभी तो पकड़े गए ना, कितना भागोगे। तेरा बाप नाम तो बड़ा कमाल का रखा है तेरा बाप। आजकल के बंदे पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, कभी कभी तो यार नाम लेने में मेरे को दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं लेकिन शर्म आती है मेरे को। यहाँ पर सामने से एक बंदा गाड़ी से जा रहा था, बेचारे के रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली हमने। चलो तो यार इसको कर देते खत्म, इससे पहले हमको ठोक डाले। और ऊपर से भी कोई मार रहा था, मेरे को पता नहीं कहाँ से मार रहा था, लेकिन इतनी प्यारी लड़की से डर नहीं लगता। तो नहीं इसको डर नहीं लगता है, इसको जो है अपना मुंह सामने से दिखाना पड़ेगा तभी जाके ये डरेगा, क्योंकि यार अपन का चेहरा ऐसा है कि कितना भी अंधेरा हो लाइट तो अपने चेहरे पे ही जलेगी। चलो तो अभी ऊपर की साइड है। ओ हो, रुक जा चाचा रुक जा, इतना काहे उछला खुद कर रहा है तू। तो अभी इसकी तो मुंडी उंडी खुल जाएगी यो बंदा। चलो खत्म, टाटा बाय बाय बैड बॉय भैया खत्म। हमसे डरते नहीं है, इतनी प्यारी शक्ल लेके आए हैं हम, वैसे प्यारी नहीं बोलेंगे इसको हम प्यारी शक्ल नहीं बोलेंगे, इसको हम डरावनी शक्ल बोलेंगे। तो अभी जो एक और बंदा मेरे को दिख चुका है, जो कि ऊपर की साइड से ऊपर भाग गया, तो पहले उसको पकड़ लेते हैं, इसकी टांग वांग पकड़ लेते हैं। यो बंदा डाउन। चलो एक और बंदा वहां पर है सामने की साइड, और 26-39 दोनों के दोनों नल्ले आज भी खत्म। नहीं दोनों नल्ले आज भी खत्म थोड़ी ना हुए हैं, अगर दोनों खत्म होते तो रफ्तार पाजी का भी किल आता, लेकिन रफ्तार पाजी का किल नहीं आया है। इसका मतलब है कि अभी दूसरा बंदा वहीं कहीं भटक रियाला है, मतलब कि भटक रहा है। वो देखो दिख गया मेरे को, और अभी हुआ खत्म। मैं तब से यही सोचे पड़ा था कि दूसरा बंदा भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमको टोकन मिल चुके हैं, और तुमको पता है ये टोकन 700 पड़े हैं मेरे पे। पहले मेरे को दो टोकन ढूंढने में पूरा बरमूडा लग जाता था,
लेकिन अभी मेरे पे 700 टोकन पड़े हैं। मेरे को ये लग रहा है कि यार अगर टोकन इतने सारे हैं तो यार एटीएम में चीजों का प्राइस भी बढ़ गया होगा, तो इसीलिए हमको 700 टोकन दिखाई दे रहे हो। यार गैरीना वालों में सस्ते नशे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पर सामने एक और बंदा है और यो क्या है यार, ये ब्लू ब्लू की तरह क्या दिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है ये चीज है ही क्या जो मेरे को डरा रही है। तो यहाँ पर एक और बंदा है और 80 का पड़ा है बंदे को, और यो लो यो भी खत्म टाटा बाय बाय। तो यार पीछे की साइड भी एक बंदा है जो कि मेरे को ड्रोन में दिखाई दे रहा है और ये गाड़ी से आ रहा। ओ उय, उय, तेरी तो 148 प्लस 70 कितने होते हैं, 148 प्लस 70 यार 200 होते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब यार 200 की गोली मारने के बाद भी बंदा डांस कर रहा है, 200 का डैमेज देने के बाद भी बंदा मरा नहीं और मेरे सामने मुर्गी वाला डांस कर रहा है। यार ये चीज है क्या यार, इतना गंदा डैमेज देने के बाद भी बंदा मर नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है यार गैरीना वाले के सस्ते नशे आज भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रफ्तार पाजी बचे हुए जिसके जो है 8 किल हो चुके हैं। यार अच्छा हुआ कि हम कोई चैलेंज वैलेंज नहीं किया इसके साथ, नहीं तो ये ये बाइक वाला वही बंदा है जो ऊपर था, इतनी जल्दी यहाँ पर भी आ गया। तो गाइज यहाँ पर जो हमको लग रहा है कोई जादूगर वादूगर आ चुका है हमारे गेम में, क्योंकि यार मैंने इस बंदे को जो है 148 प्लस 70 यार गिनना तो मेरे को आता नहीं लेकिन 200 से ज्यादा ही होते हैं। यहाँ पर जो अपने रफ्तार पाजी की वाट लग रही, एक बंदा यहाँ से मारा एक वहाँ से, लो अभी जो यहाँ पर स्काइलर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, एक बंदा डाउन। अभी मेरे को लगता है हमारे रफ्तार पाजी हमको बचा के ही रहेंगे। और यो बंदा खत्म क्यों नहीं हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो गाइस कोई ना, अभी मेरे को लगता है हमारे रफ्तार पाजी हमको बचा डालेगी। यार रफ्तार जैसा बंदा कहाँ मिलता है, बोले तो यार कहाँ मिलता है वो मेरे को पता है, यार गेम में ही मिलता है लेकिन कहाँ मिलता है। यहाँ पर सामने एटीएम पे कोई बंदा रिवाइव है, मुक्का मारा फैक्ट्री समझ के रखे बदतमीज। यहाँ पर जो अपन लोग रिवाइव हो चुके हैं, बोले तो यार अपना पुनर्जन्म हो चुका है, पुणे में जन्म हो चुका है। चलो नीचे चलते हैं। और ये रफ्तार पाजी तो लुढ़क गए, ग्रेनेड से मार दिया। चलो गाइस कोई ना, यार अपन लोग पहले उतर जाते, देखते भाई नीचे बंदे तो नहीं है, कहीं ऊपर ही ठोक डाला हमको तो हमको बचाने का क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर पड़ा है ड्रॉप लूट ले। ओ माय गॉड यार पहली बार यार मेरे को लॉन्चर मिला है, नहीं वैसे मिलता तो है लेकिन यार इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जो आज हमको उतरते ही हमको लॉन्चर मिल चुका है, तो पहले तो हमको बंदों को ढूंढना है, उनको मारना, उनसे टोकन लेने, रफ्तार पाजी को बचाना है, उसके बाद भुइया भी करना है। सबसे पहले अपन लोग बंदों को ढूंढेंगे, कहाँ गए बंदे, कहाँ गए, एक मिनट कहाँ हो तुम, अरे पीछे 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 छुप जा। यार ये तो इतनी बड़ी चोटी लेकर बैठी है ये मोहतरमा, यार सामने वाला बंदा मेरे को नजर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो फाइट हो रही तो यार अपन लोग फायदा उठा सकते हैं। एक बंदा यहाँ पर डाउन, चलो दूसरा बंदा यहाँ पर, और यो बंदा खत्म। तो यहाँ पर जो है अपन लोगों ने दोनों नल्ले आदमियों को खत्म कर डाला है। यहाँ पर धनुष बाण भी हमको मिल चुका है, ग्रेनेड भी हमको मिल चुका है, यहाँ पर ओह माय गॉड लॉन्चर की एमओ भी हमको मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर हमको लूट बहुत सारी हो चुकी है, बोले तो 8 लॉन्चर की एमओ हम पे। तो यार चलते यार सीधे नीचे की साइड, पहले रफ्तार पाजी को कातुल इस्तीवा की साइड से बचा लेते हैं। और हम पहुंच चुके यार सही सलामत एटीएम के पास। तो फाइनली अपन लोगों ने जो है रफ्तार पाजी को कर दिया है रिवाइव, इनका भी पुणे में जन्म हो चुका है। तो अभी तो अपन लोग यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद पहले सामने बंदा पहले ग्लू वॉल लगा देते सेफ्टी के लिए, नहीं सेफ्टी के लिए, और उसके बाद मार देते अपन लोग मेडिकेट, क्योंकि यार आसपास बंदे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा बंदे है कि यहाँ आसपास से कोई तो मार रहा है मेरे को, लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ से पड़ रही है। तो पहले तो अपन लोग बंदों को ढूंढ लेते कहाँ पर है बंदे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर, ओ हो यहीं पर है। सारी जगह ढूंढने के बाद बंदे हमको यहीं पर मिलता है। तो लॉन्चर एक बंदा खत्म, दूसरा मेडिकेट पकड़ा रहा है मेरे को, चलो यार उठा ही लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों नल्ले आदमी खत्म और लूट भी हम पे हो चुकी है, M8 भी है दो, लेकिन अपन लोग चला रहे हैं एग्जाम 8 और लॉन्चर। तो लूट अपने पास बहुत सारी हो चुकी है, अभी अपन लोगों को जाने जोन में 5 बंदे कुल बचे हुए, 2 बंदे हम है और 3 बंदे कुल बचे हुए हैं, मतलब कि 5 बंदे कुल बचे हुए हैं। वैसे मैं वही तो बोल रहा था कि 5 बंदे कुल बचे हुए हैं। तो पहले अपन लोग ऊपर की साइड चलते हैं, क्योंकि यार ऊपर की साइड मेरे को बंदे है यार, हमारा इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर। तो पहले तो अपन लोग लॉन्चर मारे, ओहो चढ़ाई पे थे बंदे इसलिए लगे नहीं। चलो तो यार इसके पैरों में मैंने 10-12 गोलियां मार दिया बंदा, और पीछे पीछे से मारते मेरे को,
चलो पहले इसको मार दे बंदा डाउन। और घास फूस पे कैसे मार दे यार इसने मैक 7 की। गाइस अपन लोग डाउन हो चुके, रफ्तार पाजी दौड़े दौड़े मेरे पास आ रहे हैं। ये रोनी कर गया। मेरे को लगा था मेरे को बचाएगा, अपने रफ्तार पाजी मेरे बगल से होके नीचे गुजरे हैं। ऐसा दोस्त सबको मिले। अरे अब देखो अब आ रहा वापस। तो गाइस कोई नहीं यार, अपन लोग रिवाइव हो चुके हैं। पहले तो अपन लोग मेडिकेट मारेंगे, उसके बाद फिर से डाउन हो जाएंगे। खत्म। ये क्या बात हुई भाई, फिर से डाउन हो जाएंगे? तो यहाँ पर अपन लोगों की लग चुकी है वार्ड, 13 किल के साथ अपन लोग एलिमिनेट। चलो गाइस कोई ना, अच्छी है, अच्छी बात है। तो हमारे रफ्तार पाजी अकेले अकेले बचे हुए, जिनके पास छाती तो है नहीं लेकिन फिर भी आगे आगे जा रहे हैं। अभी मेरे को लगता है अपन लोग की वार्ड लगने वाली, फिर से पोपट होने वाला है। तो यहाँ पर मार दिया रफ्तार पाजी ने दो दो मेडिकिट, अभी गुस्से में एक के साथ जा रहे हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है जितनी जल्दी जा रहे हैं उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पर सामने से बंदा ग्रेनेड फेंके जा रहा है, और जो नहीं यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। अभी देखते हैं ये बुढ़िया कर पाते हैं कि बंदा खत्म। मेरे को हमेशा से भरोसा था यार रफ्तार पाजी पे, हमको हमेशा से ही भरोसा। टोटल 12 किल हो चुके हैं, कुल बचा है एक बंदा, और एक बंदा तो इसके दाएं हाथ का खेल है। बोले तो यार चुटकी बजाएगा बंदा खत्म। एक बार चुटकी मार के दिखा रफ्तार, दिखा ना चुटकी मार के। नहीं यार तो अभी तो ये दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा है, तो अभी तो चुटकी मार नहीं सकता। लेकिन बंदा अभी खत्म हो जाता थैनोस की तरह। तो अभी जो आखिरी का बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखते भाई कब तक दिखेगा। यार बंदा पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है, मेरे को लगता है कि पेड़ के ऊपर बैठा है क्या। ओ तो यहाँ पर ओहो दीवार के उस साइड है बंदा। तो अभी जो यहाँ पर जो बंदा भी दिख चुका है, मुहूर्त है, माहौल है, अभी जो है बुइया करने का टाइम है। और हमारे रफ्तार पाजी ओहो नहीं लगी कोई ना गाइस, हमका पूरा का भरोसा है रफ्तार पाजी पे। हमको चाहे किसी पे भरोसा ना हो लेकिन, और ये 90 और मर असंभव। तो गाइस हम यही कह रहे थे कि यार हमको आधा भरोसा है रफ्तार पाजी पे। यार हेडशॉट मारने के बाद ये बंदा मरा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। गाइस फिर से अपना पोपट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, घर में रहो एंड सेफ रहो। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're right too.